हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल और इन खूबसूरत पहाड़ों से उत्तराखंड के। तो ये देखिए, आप फिर आए हैं हम घूमने के लिए शाम के टाइम। तो अब शाम के टाइम आए हम ये खाने के लिए। इनका नाम होता है चूहे। चूहे बोलते हैं ऐसे, चूहे में चूहे अलग होते हैं, चूहे होते हैं। और हिंदी में भी बोल लेना कुछ, चुल्लू चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये सुबह भी हम तीनों आ रहे थे, अब भी हम तीनों ही आ रहे हैं ये खाने के लिए। ये भी जा रही है शहर में, ये भी कह रही कि वहां नहीं मिलते हैं ये। मैं चलो मैं भी खा लूंगी, इसे भी नहीं मिलते ये खाने को। देखा खाने में लगी पड़ी खाने में लग रही है। इसका ज्यादा मन कर रहा था इन्हें खाने में, मुझे बहुत ही। और ज्यादा दूर नहीं जा रही है, ससुराल नजदीक ही है इसका, तब इसे इतनी याद आती है। और जो मैं इतनी दूर हूँ, मुझे देखो कितनी याद आती होगी। तो ये देखिए, और यहाँ हमारी जैसे छान बोलते हैं हमारे यहाँ ना जो डंगर होते हैं ना, गाय भैंस में घर नहीं बांधे जाते हैं, घर भी बांध लेते हैं अब तो, सब घर ही रखते हैं। पर पहले क्या होता था कि इनमें रखते थे, छान बोलते हैं ना ये घेर, हमारे घर से बहुत दूर दूर होया करते थे। देखिये ये बंडे यहाँ इनकी है यहाँ, और हमारे भैंस वहां भी बांधते थे, और हमारी आगे जाके भी है हमारी छान, दूर है आगे जाके। तो वहां तक तो मुश्किल है जाना, क्योंकि सूरज छिप गया है और हम लेट ही चले हैं घर से। तो अब हम यहीं को आए घूमने के लिए, बस काम तो हमारा ऐसा ही है, हम तो घूमने के लिए आते हैं बस। और ये ना खाने में खट्टे मीठे लगते हैं, पकड़ना सपना, ये वाले तो मैंने उठा रखा भी, अब खट्टे मीठे लगते हैं खा। इसमें कीड़े हैं, देख के खा, बहुत अच्छे लगे हैं ये खट्टे मीठे खाने में, बहुत स्वाद लगे। लीजिए जी, आप भी खा लीजिए पहाड़ी फल। और ये आ रहा है इनका ना सही, जो अंदर के बीज होते हैं ना इनका, उनका तेल बनता है इनके अंदर के बीजों का। और जो जैसे जब ये पक जाते हैं ना, फिर ये झड़ते हैं, झाड़ते हैं ना, फिर इन्हें चुगते हैं, और फिर इन्हें धोए जाते हैं, फिर सुखाए जाते हैं, फिर फोड़े जाते हैं, फिर इनका तेल बनता है। और वैसा निकलता है वो भैंसों की खल बनती है इनसे। तो जी लीजिए जी, आप भी खा लीजिए पहाड़ी फल, बहुत अच्छा लगा। अभी तो थोड़ा खट्टा खट्टा है ये, अभी पूरा पका नहीं है। जब पूरे पकते हैं ना, ये पूरे लाल लाल हो जाते हैं ये, और फिर जब अच्छे लगते हैं। इनकी चटनी ना, चटनी भी बहुत अच्छी बनती है इनकी। लाल मिर्च डालो, नमक डालो और चटनी बनाओ, इनकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। हंस रही चल रही हूँ वहाँ पेड़ पे, तोड़ रही हमारे लिए खाने के लिए। ये देखिए जी, यहाँ लग रहे हैं ये पेड़ पे, इस पेड़ पे कितने लग रहे हैं, अभी पूरे नहीं पक रहे हैं, दिख नहीं रहे पूरे, जूम करती हूँ मैं। ये देखिए लग रही है, ये देखिए ले रही ले। अरे ले रही माँ, एक ही दे रही मुझे, गिना चुना खुद देख, तीन रख लिए चार, और मुझे एक ही पकड़ा रही, रुक जा। अच्छे नहीं है ना ये, ले नहीं खा ले अभी मेरे पास, कड़वे मुझे दे रही। वह चढ़ रही वहां पेड़ पे, हमें तो वही अब तो उसे पेड़ पे चढ़ने का एक्सपीरियंस है, क्यों तोड़े हमारे पैर। तो ये देखिए ना, ये सब ने खा लिए इनके, यहाँ ये पड़े। हाँ हाँ कर लिए जरूर, देखिए इनका ये ना, ये फोड़े जाते हैं सपना, जरा फोड़ने से। हाँ पता है मेरे पर फोड़ना, मेरी बहन भी देखिए आराम से था। ये निकलते हैं इनके बीज बादाम जैसे, ये देखिए, फिर इनका निकलता है तेल। और ये तेल ना बहुत अच्छा तेल और निकलता है इनका, जैसे पैरों में किसी के दर्द होता है ना, पैरों के दर्द के लिए ये तेल बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये, बहुत आराम करता है ये तेल पैरों के दर्द के लिए। पर अब मिलता नहीं होगा किसी के, क्योंकि सबको आलकस है, इन्हें कोई इकट्ठे करता नहीं। और ना हमने अपने टाइम पे बहुत इकट्ठे किए है ना, सबने बहुत इकट्ठे किए हमने ये बहुत। ये बता करे नहीं क्या, चल तू ही बता, तू हंसने पे रहवे, हमारी बात काटने पे रहवे। कैसी बात कर रही, बहुत कट्ठे किए, देखिए नीचे बोला तू है, नीचे अंधेरा हो गया, नीचे का नजारा घास दे, चलो ओए तड़िस से, चलो तू ही जाना पड़ जाना, देखे से रहते हो। ये देखिए जी, वहां देखिए कितना सुंदर लग रहा वहां, एक
तो जी देखिए ये है मेरी बहन चाचा की लड़की और ये सीख रही है बाइक चलाना। इसके पति भी आए थे यहीं हमारे साथ, तो नहीं आए थे वे बाद में आए थे ऐसे घूमने के लिए अपनी बाइक लेके, तो फिर ये बाइक चलाना सीख रही थी। ये देखिए ये बैठी आगे, पीछे इसका पति बैठा है और ये दोनों पति पत्नी बाइक चलाना सीख रहे हैं। मैं लाओ इनकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। पति पत्नी बाइक चलाना सीख रहे हैं, मतलब पति अपनी पत्नी को बाइक चलाना सिखा रहा है, वाह क्या बात है। तो मैं चल बहन तू सीख बाइक चलानी, कभी हमें भी बिठा के घुमा लेना जब हम कभी आएंगे। तो ये देखिए ये चला रहे हैं बाइक, तो ये आ गया ये वापस ही एक चक्कर लगा कर। ये देखिए जी ये छान, ये होती है छान, अब तो ये टूटी पड़ी है सारी, ऊपर से ना ये पूरी टूट रही है। और ना पहले यहाँ इनकी भैंस रहती थी, इनकी थी ये, यहाँ को भी ना दीवार थी, ये यहाँ को दीवार थी, और यह किसी और की थी, वह किसी और की थी, वहां पे हमारी भैंस रहती थी उस वाली में एक कमरे में, और पड़े में किसी और की। अब तो ये सब टूटे पड़े हैं, अब कोई नहीं इनमें भैंस रखता, अब सब घर घरों में रखते हैं। अबे देख यहाँ कितना घास है, तो अब यहाँ किसी की भैंस नहीं रहती, अब सब घरों में रखते हैं, घर में रखते हैं सब। अरे ये पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोग घास काट रहे हैं, घास कह रही कि मेरे वीडियो वो मतलब नहीं आख हम घास काट रहे हैं, ये बड़ी वो देती है मुझे ये सब। अरे मैं खा रही हूँ ये देखिए नजारा देखिए। तो जी देखिए यहाँ मैंने ले ली थी इन पे से दांती, मैं लाऊ मैं भी देखती हूँ काट के, मुझे याद है घास काटना या नहीं है याद। पता क्या मैंने ना पहले भी नहीं कभी काटा है, शादी से पहले नहीं काटा है, आपको पता ही है मेरी शादी जल्दी होगी थी। और पता वही है मेरी मम्मी मुझे काम करने नहीं देती थी, ये खेतों का काम मैंने कम मतलब किया नहीं है। और ये है कि जैसे मैं किसी और के साथ कभी बाहर चली गई या कुछ वो चक्कर लिया, वो है कि काम आप पे आ ही जाता है, तो मैंने थोड़ा बहुत कर रखा है और उसी से मुझे आता है। और मैं हकीकत में बताऊँ मैं भूली नहीं हूँ कुछ भी काम, जैसे मैं इतने साल हो गए मेरे साथ काम में कुछ भी नहीं भूली हूँ, थोड़ा बहुत आ ही जाता है। यह है कि बिल्कुल ऐसा नहीं आता है, पर यह है कि थोड़ा बहुत याद है मुझे, तो अच्छा लगता है जब आपको अपना वो सारा याद रहता है, आप कुछ भूलते नहीं हो, आपको अपनी परंपरा सब कुछ याद रहती है। तो ये देखिए ये मेरी ये सहेली भी ये भी काट रही थी, बहन है मेरी, हम चाचा की लड़की सहेली भी है और बहन भी है। तो जी अब चल दिया हम घर के लिए, ये लेके पति देव के लिए और बच्चों के लिए, सिर्फ इतने ही दिए इसने मुझे निकाल के। और मैं खा रही थी, इन्हें मुझे गाली दे दे के कह रही खाने नहीं खाने, तो अब मैं इन्हें नहीं खाऊंगी, अब इन्हें लेके चलूंगी घर। और वो चल रही है आगे, देखिए उसकी वीडियो में बनाती नहीं, वो मुझे कसम दे तुझे अपनी पति की कसम, तुझे अपने बच्चे की कसम, तुझे अपने भाई की कसम। चल भाई, तो चलिए जी अब मेरे यहाँ का वीडियो भी पूरा हो गया, मैं घर को चलती हूँ और वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और सुबह को हम जाएंगे ससुराल को, जो कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है करने जाने को, इसे कह रही मैं कहा आज तो पटा ले मेरे पति को, पटा ही नहीं रही है मैं आज, और पटा ले, कल तो उसने पटा लिया, कह रही अगर मैंने पटा लिया तो पटती तो फिर तो ऐसे।